बड़ी खबर बता दें, दवा कराने जा रहे युवक को दो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने किया किडनैप। रायबरेली में अपनी मौसी के यहाँ रह रहा मोहम्मद दाऊद जब सरकारी अस्पताल दवा करने जा रहा था, तभी अचानक घात लगाए बैठे दो आदमियों अपाची गाड़ी से आकर जबरदस्ती गाड़ी में किडनैप करके प्रयागराज जनपद की ओर भाग गए, जहां पुड़िया लेने के लिए रुका था। तभी मौका पाकर मोहम्मद दाऊद अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। यह पूरा मामला जनपद के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के बस स्टॉप रफीक नंबर वार्ड नंबर 7 का है। जब इसकी जानकारी पीड़ित दाऊद की मम्मी ऊंचाहार कोतवाली में शिकायती पत्र देकर बताया, जहां पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षी मोहम्मद हसन दीसा गौरा थाना गदागंज का रहने वाला है, जिसके कहने से दो अज्ञात बाइक सवार ने मेरे बेटे को किडनैप करके मारा पीटा और पास के लिए मोबाइल उसके पास में से लिए 5,000 रुपए और मोबाइल छीन लिया और वहीं वो मेरे बेटे को ले जा रहे थे। मेरे बेटे को जान से मारने की पूरी साजिश विपक्षियों द्वारा किया गया था, जहां मौका पाकर मेरा बेटा भाग निकला, नहीं तो वो जान से मार देते। पीड़ित ऊंचाहार कोतवाली में न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? नजमा बानो। कहाँ के रहने वाली हो? सलोन क्षेत्र थाना की। मामला क्या है? हमारा लड़का जो है अपने खाला के यहाँ रहता रहा, वहाँ रहता रहा, हमेशा से वहीं रहा है। उसके बाद 1 साल हो रहे हैं, हमारे लड़के को अगवा कर लिया गया था। अब वो घर आया है तो दवा लेने के लिए उसकी खाला ने 5,000 रुपये मोबाइल टूथ ब्लू साथ में था वो लेके जा रहा था। दो अज्ञात जो है उसका पीछा किया, वो पहुंच भी नहीं पाया हॉस्पिटल तक। उसके जो है उसके पीछे मोहम्मद हसन नाम का एक है, वो कहाँ के रहने वाला कहाँ के नहीं, वो बाहरी है। वो तीनों मिल के हमारे लड़के को उठा कर गाड़ी को बैठा ला और ले के गए वहाँ लालगंज इलाहाबाद वाला, और वहाँ जो है हमारे लड़के से मोबाइल 5,000 रुपये तक छीन लिया। और छीनने के बाद हमारे लड़के को मारा। तो वो लड़का जाते कहाँ तक घर में हम घुसड़े रहेंगे बताइए, और उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो एकदम बेकार हो चुका है। अगर हमारे लड़के को कुछ हो गया तो फिर सोच लीजिए कि पूरा हम यही प्रशासन को जो है पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे लड़के के साथ हम बहुत गरीब बहुत मजबूर इंसान हैं। आपकी सुनवाई नहीं होगी, कहाँ जाएंगे? आगे जाएंगे योगी जी के पास, एसपी के पास। क्या करेंगे फिर, जब ये नहीं सुनेंगे तो फिर जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये जो है यहाँ मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। बताइए हमारे लड़के की जान पे हम पे बनी है, हमारे घर वालों की। आज तो हमारे लड़के को 2 बार ऐसे किया, कल के हमारे पूरे घर पे आ भी होंगे और ये कुछ नहीं बोलेंगे। प्रशासन होता किसी किस लिए है?